इंसान की हर ख्वाहिश का पूरा होना नामुमकिन है, क्योंकि फूल की पत्तियां भी बिछड़ जाती हैं। यूट्यूब के साथ मैं हूं अमजद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रेजी व्लॉग। ठंड के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप भी है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी हवा भी है, तो मौसम जो है वो टू वर्ड हो चुका है, यानी आधा सर्द आधा गर्म, आधा सर्द आधा गर्म। तो जो अशरफुल मखलूकात हैं वो भी इस मौसम को एंजॉय बहुत ही जज्बे से करती हैं। तो अभी जी तकरीबन आज मुझे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि आज मैं 8:30 बजे उठा हूँ तो ना मेरी आंखों में पानी आ रहा था, क्योंकि भाई आपको सही बात बताता चलूँगा, रात मैच था। मैच किसका था जी? पेशावर ज़ालमी एंड दूसरा कौन था? इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो जीत गया है, पेशावर मेरी फेवरेट टीम थी वो हार गई है, हम PSL से बाहर। कोई बात नहीं जी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो मैंने एक सबक पढ़ा था, सबक ही था, ट्राई अगेन एंड अगेन, करते रहो, कोशिशें करते रहो, इंशाल्लाह एक दिन तुम ज़रूर कामयाब होगे। तो इसी चीज़ को मैं मानता हूँ कि ट्राई अगेन एंड अगेन, वंस टाइम यू कम्प्लीटली क्या कामयाब की इंग्लिश क्या आती बोला मुझे, सक्सेसफुल, हाँ ठीक है, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। आपको अपनी वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो पहले मैंने कभी नहीं बताई यूट्यूब पर। तो मैं पहले आपको सही बात बताऊँ कि सितारा यासीन को जानता ही नहीं था। तो जब मैंने उनकी वीडियो देखी, मुझे उनकी कहानी बड़ी पसंद है। मुझे, मेरी बात सुनिए, इंसान इंसान को आजकल का दौर है खूबसूरती से जानता है भाई, मुझे उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि भाई एक मियाँ है, दो बीवियाँ हैं, पहली बीवी ने खुद कहा भाई तुम शादी कर लो, तो ये कहानी ना दिल को छू गई और यही कहानी मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, मैं इनकी हर वीडियो तकरीबन एक मंथ से वीडियो देखता रहा। तो मैंने यार सोचा फिर हम भी उनकी तरह वीडियो बनाएं, उनको भाई करें भी, कुछ उनके लिए वीडियो बनाएं कि आपने अच्छा काम किया। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ सितारा यासमीन, आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद अली, आई एम अ बिग फैन ऑफ कौसर को साथ नहीं ले आना क्योंकि वो वीडियो भी नहीं आती, चलो फैन तो होना। और सबसे बड़ा फ़ैन हूँ उस छोटे से नन्हे से बच्चे मुस्तफ़ा का, जो उनका बच्चा है। तो सितारा यासमीन, सॉरी यासमीन नहीं, यासीन से यही एक अपील करता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट मी। तो आप सपोर्ट करें, क्योंकि आप बड़े यूट्यूबर हैं, हम छोटे यूट्यूबर हैं, हम बिगिनर हैं। तो बड़े यूट्यूबर का थोड़ा सा हक तो बनता है कि छोटे यूट्यूबर की हेल्प कर दें। तो आपकी मर्ज़ी, आपका चैनल है, तो प्लीज़ आप जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर लाजमी करें, क्योंकि आपका शेयर मेरी वीडियो उस तक पहुंचा सकता है। तो सितारा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ और आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ 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 आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, आपकी थोड़ी सी हेल्प मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। प्लीज़ 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 मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी हेल्प लाजमी करना। और दूसरी बात, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। अच्छा, सबसे पहले मैं वेले मुंडे का फ़ैन था, जब से मैंने वेले मुंडा की हरकतें देखी तो मैंने अपनी ना वो फ़ैन वाली जो फीलिंग है वह चेंज कर ली। यार वो कहते हैं कि वो पैसे लेता है, तो इस वजह से मैंने ना अपनी हर चीज़ चेंज कर दी और फिर मैंने सितारा यासमीन को देखना, सॉरी यासमीन निकल जाता है, यासीन को देखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैं उन्हीं का फ़ैन बन गया। फिर उसके हस्बैंड ने, साजिद मुस्तफ़ा ने चैनल बनाया, तो फिर मैं उसी को देखने लग गया। तो अब दोनों को देखता, और फिर बाद में उनकी एक अम्मी भी हैं, यार उनके चैनल का नाम मुझे याद नहीं, उनको भी मैंने देखना शुरू कर दिया, तो मुझे ना लुत्फ आता रहा। तो प्लीज़ सितारा सिस्टर, प्लीज़ आप मुझे ना थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही
मुझ छोटे से यूट्यूबर को थोड़ा सा बड़ा कर देगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार, और जो व्यूअर मुझे देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे वो ट्रेंडिंग में जाएगी और उन तक पहुँच जाएगी जिनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ 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 आप भी थोड़ा सा इस साइड्स में डालें ताकि इस काम में आपका भी नाम शामिल हो जाए। तो उसके बाद यार मैं वीडियो के एंड पर ज़रूर कहता हूँ कि गरीबों की मदद की जाए। तो मैंने भी आज एक गरीब की मदद की है। मेरे पास तकरीबन जो भी था 100 रुपया था मेरे पास, तो मैंने वो एक कल बूढ़ा आया हमारे घर पर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसने कहा मेरे पास ना किराया नहीं है, वो जाना चाहता था जंग। तो मेरे पास थे 100 रुपये, मैंने अबू से पूछा अबू आपके पास कुछ हैं, तो उन्होंने कहा नहीं है, तो मैंने दे दिए। मैंने कहा आप जाएं कुछ तो आपकी मदद हो गई होगी, तो उसने कहा जी हम पहले मेरे पास कुछ हैं तो अब माशाल्लाह से चला जाऊंगा। तो भाई दिल ही खुशी हुई कि मैंने भी किसी की हेल्प की। तो आपको भी मैं वीडियो के एंड पर लाजमी कहता हूं कि आपके इर्द गिर्द ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ लेने कुछ जाने कहीं जाने पर इस्तेदाद नहीं रखते। अगर वो आपसे दिली तौर पर मांगते हैं कि भाई मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो प्लीज़ हेल्प लाजमी करें, क्योंकि आपकी हेल्प ही आपको एक दिन बड़ा इंसान बनाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो प्लीज़ ये काम किया करें और इस चीज़ को आगे 3 लोगों तक फैलाया ज़रूर करें। तो अभी जाता हूँ जी घर। तो वो मेरा घर है, वो जो जो सफ़ेद मकान नज़र आ रहे हैं वो मेरा घर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम करता हूँ, कल मेरा टेस्ट है कंप्यूटर का, तो वहाँ जाकर कंप्यूटर का टेस्ट याद करते हैं और फिर आपसे बात करता हूँ। तो यार मैं याद कर रहा हूँ, दूसरा कंप्यूटर तो याद नहीं हो रहा, ये देखे मेरा सर फट रहा है दर्द से। तो मैं भी आपको बुक दिखाता हूँ जो मेरी बुक पड़ी है यहाँ पर। तो ये मेरी बुक है, पढ़ पढ़ कर मेरा दिमाग ख़त्म हो गया है कि ये मुझे याद नहीं हो रही। तो मुझे गुस्सा इतना आ रहा ना मैं आपको बता नहीं सकता, दिल करता है इसे पढ़ लूँ। तो अभी पढ़ लेता हूँ तो फिर आपसे बात कर चुका हूँ मैं वेला। तो थोड़ी थोड़ी आपको बताया था कि चारों तरफ से हवा भी चल रही है, बहुत ही मज़ेदार मौसम बन चुका है। तो मैंने कंप्यूटर का कुछ सिलेबस कुछ क्वेश्चन भी याद कर लिए हैं। तो अगर इफ़ दे अपेयर इन पेपर वी आर डेफिनेटली पास, अदरवाइज वही पास। तो मैंने पेपर भी थोड़ा सा याद कर लिए, तो अभी रहता है याद करना है, याद अभी भी करना है क्योंकि रात को मैच भी है PSL लाहौर कलांदा वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो मैच भी रात को देखना है, मैच भी इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी करने हैं। तो मैंने सोचा अब थोड़ी सी बात की जाए आपसे, क्योंकि व्लॉग तो मैंने छोड़ना नहीं, आपको पता है मेरा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप देखकर आप हैरान हो जाएं कि वो चीज़ हमारा ग्रीन सोन हलवा, सब सोन हलवा तैयार है। तो ये मैं पिछली वीडियो में दिखाता रहा हूँ लेकिन अभी आपको फिर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ ब्यूटीफुल साइट होती है, तो वहाँ मैं खड़ा होकर व्लॉग बनाता हूँ। और ये फिर सारी यहाँ गंदम वगैरह वो भी एक घर है, वो भी घर है, और ये भी घर है, और वो जहाँ पर अलम पाक आपको नज़र आ रहा है वो इस बंदा है ना चीज़ का घर है। ये बंदा है ना, ये बंदा इतना एनर्जेटिक है कि ये सारे इन घरों को बिजली फराहम करता है जो भी यहाँ घर हैं। तो इसकी ये 3 कॉइल्स लगी हुई हैं, ये देखें ये कॉइल्स और ये डी वाली जगह 1 2 3, और ये बाकी वो तारे हमारे घर को जा रही हैं, ये तारे उस घर को जा रही हैं, और जो ये तारे हैं वो उस घर को जा रही हैं, ये इस घर को। तो ये जो तारे हैं ये भी यहाँ जा रही हैं, ये जो घर खड़े सारे माहौल देखें, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, यहाँ भी देखें ये सारा सब्ज़ा सब्ज़ा सब्ज़ा, ओह माय गॉड इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। तो ये वहाँ वो मेरा घर है, मैं पिछली सीन में बता चुका हूँ। तो यहाँ अक्सर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ यहाँ पर, यहाँ खाले वगैरह में। तो ये बाकी सारा आप देख सकते हैं, इधर भी सब्ज़ा है सब्ज़ा ही सब्ज़ा है सारा। तो यहाँ पर रहने में बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि खुली हवा होती है और हवा भी साफ़ सुथरी होती है। सारा यासीन का व्लॉग भी अपलोड हुआ, अभी भी देखा, बहुत ही मज़ा आया, फंटेस्टिक व्लॉग था।
तो मुझे तो भाई बहुत ही मज़ा आया कसम से। मैंने व्लॉग देखा, वो दावत पर जा रहे थे तो सारा व्लॉग मैंने देखा, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। तो अल्लाह के करम से अब जी मैं उनका पक्का 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 फ़ैन बन चुका हूँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनकी हर वीडियो देखूँगा, और मेरे चैनल से उनका चैनल भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इंशाल्लाह उनकी वीडियो भी ज़रूर देखता रहूँगा ताकि मुझे भी कुछ उनसे सपोर्ट मिले, कुछ इंस्पायरेशन मिले, और कुछ उम्मीद करता हूँ कि उनकी सपोर्ट भी मेरे साथ होगी। मुझे पता है कि वीडियो उन तक फैलाना मुश्किल है, लेकिन ये सब आप लोगों का काम है। अगर आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर वीडियो पहुंचेगी सितारा यासीन के पास, और वो भी हेल्प के लिए तैयार होगी, ये मेरा दिल का मानना है। तो पता नहीं उनके दिल में क्या होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो अच्छी इंसान है, वो इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगी और इंशाल्लाह सपोर्ट मेरी ज़रूर करेंगी। तो आज का जो छोटा सा व्लॉग है वो करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल करेज व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, और क्या। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।